हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्ट्रीमिंग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों दोस्तों बात सहारा की करते हैं कि कन्वर्ट सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ये जो इनका कन्वर्ट सिस्टम नहीं है बल्कि साजिश के तहत बड़े स्तर पर धोखाधड़ी करने का, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा इनका टर्नआउट चल रहा है जो रेगुलर 10 साल से चल रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जग जाहिर है कि सहारा ग्रुप पहले ही कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की जांच का सामना कर रहा है और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड SIRECCL, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और दूसरी है SHICCL द्वारा जनता से पैसा जुटाने के मामले में जांच की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बात यह है कि ये दोनों रियल इस्टेट कंपनियों के निवेशकों का पैसा क्यू शॉप में कन्वर्ट करा दिया गया और सेबी विभाग है कि वहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, जांच कर रही है। तो सेबी विभाग को जांच में क्या हाथ लगा अभी तक? कुछ दोस्तों, जांच में उनको हाथ नहीं लगा बल्कि उन्होंने ये और कह दिया कि इसके जो ये निवेशक है ये सब फर्जी है। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेबी विभाग खुद इसकी साजिशों में, जी हाँ दोस्तों, इसके लिपापोती में नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं सेबी विभाग को सब कुछ मालूम है और दोनों मिलकर, सेबी और सहारा, जी हाँ दोस्तों, दोनों मिलकर इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट का उल्लू बना रखा है। तो दोस्तों आगे खबर जो हम आपको बताने जा रहे थे वो ये थी कि सहारा क्यू शॉप, दरअसल जो इन दोनों इकाइयों का पैसा इसमें कन्वर्ट करा दिया गया, अब सहारा क्यू शॉप वालों को भी टरकाया जा रहा है और दोस्तों उसका भी पैसा ये दूसरी खोल दी गई है। जहाँ दोस्तों दूसरी एक इनकी नई स्कीम खुली गई है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया, अब निवेशकों को टरकाया जा रहा है। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है मैं बताता हूँ। दरअसल सारा क्यू शॉप के खिलाफ शिकायतें मिलने के बारे में लोकसभा में यह मुद्दा उठा था। यह तत्कालीन वित्त मंत्रालय मंत्री पोन राधाकृष्ण ने यह जानकारी दी थी। उन्होंने लिखित जवाब में बताया था कि मुंबई रजिस्ट्रार्ड ऑफ कंपनीज MCCA 21 आंकड़ों के मुताबिक इस कंपनी के खिलाफ कुल 744 शिकायतें मिली। शिकायतों पर कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने के लिए SOG ने विस्तृत जांच करने के लिए सिफारिश की। इसके बाद कंपनी मामलों के मंत्रालय ने 31 अक्टूबर 2018 को SFIO द्वारा मामले की जांच कराने के आदेश जारी कर दिया था, पर आज की स्थिति यह है कि निवेशक और एजेंट इस वक्त सड़कों पर उतरा हुआ है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ढाक के 3,544 शिकायतें मिलने के बाद यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज की जांच में निवेशकों को क्या मिला? दोस्तों निवेशकों को ना इंसाफ मिला ना पैसे मिला और हालात ये है कि सभी निवेशक इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो दोस्तों ऐसी जांच किस काम की? ऐसे सरकार, जी हाँ दोस्तों, जो एक वित्त मंत्रालय या जितने भी इनके मंत्रालय वहां पर इन लोगों के किस तरीके के रवैये चल रहे हैं, क्या सरकार में अंदर खाने चल रहा है दोस्तों, क्या धांधलेबाजी चल रही है, इस बात को गरीब निवेशक जानकर भी कुछ नहीं कर सकता, उसके बस का कुछ नहीं है। क्योंकि ये गरीब निवेशक दोस्तों वो गरीब निवेशक हैं जो कानूनी लड़ाई लड़ना नहीं जानते। दोस्तों मैं सीधे तौर से आपको बता दूं तो दोस्तों ये झुग्गी झोपड़ी और रेड़ी पटरी वाले ही इसमें ऐसे निवेशक हैं जो दोस्तों जिनके बलबूते पे आज सहारा सुब्रत राय, जी हाँ दोस्तों, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में निवेशकों के सामने, जी हाँ दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान के सामने उभरा है, जिसकी दादागिरी अमेरिका के जॉर्ज बुश जैसी है। दोस्तों इस वक्त मैं आपको बता दूं कि इस वक्त निवेशकों का पैसा जो कन्वर्ट कर दिया गया है उस पैसे का मिलना अभी दोस्तों सुनिश्चित नहीं है। जांचे चाहे जितनी चल जाए लेकिन पैसा कहीं से कहीं तक अभी निवेशकों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो यही है कि सारे निवेशक इस वक्त सड़क पर उतरे हैं, चाहे सारा कंपनी के हों या पल्स कंपनी के हों, साईं प्रसाद के हों या कल्पतरु के। दोस्तों 3,000 कंपनियों से ज़्यादा ऐसी हैं जिनके निवेशक इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं और सबकी टेंशन अलग अलग है, सब एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं और सबको एक ही सरकार के द्वारा इनको
जी दोस्तों, इनके द्वारा चलाई गई जांचें और इनके द्वारा चलाए गए कानून के आधार पर निवेशकों का पैसा इतना मिलना मुश्किल पड़ गया है दोस्तों कि हम अपनी दोस्तों पूरी कोशिश करने के बावजूद भी ये नहीं कह सकते कि पैसा आखिर कब तक निवेशक तक पहुंचेगा। तो दोस्तों आपसे हमारा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी धरने प्रदर्शनों और रैलियों को निकालें ताकि निवेशकों की जागृति बने और सभी निवेशक जितने भी चिटफंड कंपनियों के ठगे हुए हैं वो सब एक स्टैंड पर आ जाएं और सभी निवेशकों का एक साथ जब हल्ला बोलेगा तो शायद है कि कुछ फायदा हो जाए दोस्तों। बिना संघर्ष के पैसा नहीं मिलने वाला। ये बड़ी न्यूज आपको दोस्तों एसटी न्यूज चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट लेकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।